अपनों माने खुशी तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके और आज इतना बड़ा डॉट फेस्ट मतलब ये डॉट नहीं है ये तो पूरा बहुत बड़ा सर्कल है जी माय गॉड इतना बड़ा फेस्टिवल मैंने कभी नहीं देखा दुनिया में भाई पहले तो उड़ीसा के लिए यहाँ के लोगों के लिए भुवनेश्वर के लिए जोरदार तालियां इस लेवल पे ऑर्गेनाइज करना मेरे को तो ये फेस्टिवल तो ऑर्गेनाइज हो गया इतनी सीटें भी लगा ली पार्किंग कैसे ऑर्गेनाइज की होगी यहाँ पे लोग कैसे अपनी कार मोटरसाइकिल स्कूटर ये मेरे सिर पे तो नहीं लगेगा ना भाई साहब ये जो इतने पास पास आ रहा है मेरे ये है क्या ओ कैमरा हेलो नमस्ते करिए अच्छा नमस्ते देखिए मैं आज आया हूँ और यहाँ पे मुझे बेहद खुशी है आज आके और मैं सबके टेस्ट करने के लिए आया हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं आपके टेस्ट करने के लिए आ सकता हूँ ये चेक करने के लिए आप ठीक हैं कि स्वस्थ हैं कि नहीं हैं मैं आपके टेस्ट करूँगा पर मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों मैं पहले इसरो में था यस yes, पहले मैं इस रो में था फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम गलत रो में खड़े हो लेडीज़ की रो है तुम उस रो में जाओ तो फिर मैं उस रो में चला गया और उसके बाद मैं उस रो में रहा और आज यहाँ इतनी शानदार ऑडियंस बैठी हुई अरे इस बच्चे को तो मैं जानता हूँ इधर बैठ लाइट लगाइए यहाँ पे ऑडियंस में थोड़ी सी प्लीज़ हाँ ऑडियंस में यहाँ लाइट गिराइए यहाँ बच्चा बैठा हुआ है एक हाथ खड़ा करो बेटा वो बच्चा बैठा हुआ है पीछे आप कहाँ से बच्चे हैं आप छह बच्चों के डैडी लग रहे हैं भाई साहब नहीं बच्चे नहीं उधर बच्चा उधर पीछे बैठा हुआ हाँ तू पीछे जो देख रहा है इधर तू सामने देख मामा हाँ हाथ खड़ा करो बेटा इस बच्चे को मैं जानता हूँ ये बच्चा अंडरवेयर नहीं पहनता है पहना कर बच्चे पापा पे क्यों गया है <laughs> मैंने देखा शॉपिंग मॉल में इसके पापा ने सारे कपड़े खरीदे बस अंडरवेयर नहीं खरीदा इसके लिए पहना कर रहे हो अच्छा लगेगा आ, और भाई साहब आप अपना पेट अंदर डाल के क्यों बैठे हुए हैं खुला छोड़ दीजिए एयर बैग लग्जरी गाड़ियों में ही होता है और अभी अरे आप लेट हो गए जीजा जी आप लेट क्यों हो गए मेरा पिया घर आया राम जी मेरा बहुत अच्छा लगा सर